स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो अभी आया था मैं अपने स्टूडियो, तो मैं दिखाऊंगा आपको अपना पूरा स्टूडियो, किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, किस तरीके से पूरा एडिट वेडिट करता हूँ, तो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये वाला जो आप ट्राइपॉड देख रहे हैं, ये जो ये डिजिटेक का ट्राइपॉड है, ये देखो पूरा सेटअप लगा हुआ। और ये जो देख रहे हैं बोया MM1 का माइक है, जिसकी क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे किस तरीके की क्वालिटी है उसमें। और उसके अलावा आप जो मोबाइल देख रहे हैं वो ओप्पो F11 है, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप नॉर्मल सा यूज कर सकते हैं। और पीछे जो देख रहे हैं वो मेरा PC पूरा है, उससे मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। और कहीं अगर बाहर टूर वगैरह पे जाता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ ब्लॉग वगैरह बनाने, तो मोबाइल से भी एडिट कर लेता हूँ। तो आप अगर ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की ज़रूरत है। आपके पास नॉर्मल प्रति व्यक्ति मोबाइल तो होता ही होता है, तो आप चाहे मोबाइल से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, आप स्टार्टिंग में विदाउट माइक के भी बना सकते हैं। उसके बाद थोड़े पैसे करने के बाद वो या M1 ले सकते हैं, वो 700 से 800 के करीब आ जाता है, वो ले सकते हैं। उसके बाद जब और ज़्यादा आपका बजट हो जाता है तो वो MM1 ले सकते हैं। और एक और क्वालिटी है इस वाले माइक की, ये आप कैमरे में भी यूज कर सकते हैं। और फोटो देख रहे थे वो बोया MM1 का था, जो लगभग 1500 के करीब है। आप जो वॉइस सुनेंगे मेरी, वो बोया M1 का वो 700-800 के करीब है। तो इसकी आवाज़ टेस्ट करते हैं तो बताओ ना कमेंट बॉक्स में, इसकी आवाज़ ज़्यादा बेटर या ट्राइपॉड है, या फिर उसको क्वालिटी को देने के लिए कोई लाइट्स वगैरह है या माइक वगैरह यूज करना चाहते हो, उसके लिए जो आपको प्राइस जितना लगा सकते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, उसके लिए आप नॉर्मली अगर स्टार्ट करना चाहें तो लगभग 1000 रुपये, 500 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, 500-600 रुपये में, अगर आप माइक ना लें, अगर केवल ट्राईपॉड लें, अगर दोनों चीज़ अगर लेनी है तो 1000-1200 रुपये में आप नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या क्या यूज करता हूँ वो आपको बताता हूँ। पहले तो मैं बोया M1 का माइक यूज करता हूँ, जो कि आप अभी वॉइस मेरी सुन रहे हैं वो बोया M1 का ही है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। जो बोया M1 है समथिंग 700-800 के करीब आ जाता है, 700-800 के करीब आप ये ले सकते हैं। अगर ट्राईपॉड चाहें तो वो आपको 300-400 रुपये का आराम से ट्राईपॉड आ जाएगा, समथिंग 1000-1100 रुपये का टोटल खर्चा रहेगा। और आपको पूरा ये वीडियो बनाने का जो सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास क्या, लगभग सभी के पास मोबाइल ही तो कंपलसरी होता ही होता है। और आज के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सभी में कैमरा भी बहुत शानदार आते हैं, तो आप उसी से आराम से बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए वो काफ़ी सही है, आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास रुपए नहीं है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता या वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं यूज़ करता हूँ वो डिजिटेक का एक ट्राईपॉड है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ये है, और एक बोया M1 का माइक है। ये दो चीज़ें यूज होती है, ये देखो बोया M1 का माइक जिसका ये अडेप्टर है, वो चीज़ें हैं। और आप ये स्टार्ट करें, अगर आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, सही से आराम से आप बना सकते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और